हेलो गाइस, वेलकम टू अनमान मेडिसिन। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल अनमान मेडिसिन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोंटेयर एलसी टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जैसे कि क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या क्या इसके अंदर कॉम्पोजिशन होता है, मतलब कौन सा साल्ट इसके अंदर होता है, और क्या इसके सब्स्टिट्यूट रहते हैं, मतलब किन नामों से और नामों से आपको मिल सकती है, और क्या इसके प्रिकॉशंस रहते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट रहते हैं। वीडियो के लास्ट में जानेंगे इसकी डोज। तो वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक बने रहें, तभी आपको इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ गाइस। मोंटेयर एलसी टैबलेट, इसमें जो है दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। नंबर फर्स्ट मोंटिल्यूकास्ट और दूसरा लिवोसिट्राजिन, जो कि लिवोसिट्राजिन जो है वो बिलोंग करता है एंटी हिस्टामिन ग्रुप से, और जो मोंटिल्यूकास्ट है वो बिलोंग करता है लिकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट ग्रुप कैटेगरी से। तो इस लिवोसिट्राजिन जो है वो 5 mg में होता है और मोंटिल्यूकास्ट जो है वो 10 mg में इसके अंदर होता है। ये जो टैबलेट है गाइस, 15 टैबलेटों का स्ट्रिप आता है। इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 264 रुपए की एमआरपी में आपको मिल जाएगा। तो पर टैबलेट आपको 1500 रुपए से लगाकर 20 रुपए की एक टैबलेट आपको मिल जाएगी। इसको जो मैन्युफैक्चर किया है वो सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। ये काफी अच्छी और पॉपुलर दवा होती है गाइस। अब इसके सब्स्टिट्यूट की बात करें, मतलब ये आपको मोंटेयर एलसी नाम से अगर नहीं मिलती है तो आप किस और नाम से आपको मिल जाएगी, किस और नाम से आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं, तो मोंटिना एल टैबलेट, ये इसका सब्स्टिट्यूट नेम होते हैं, लिवोसेट एम टैबलेट और सेट्रीमोंट टैबलेट, लिवोमोंट एलसी टैबलेट, जोरीसेट एम टैबलेट, ये इसके कुछ सब्स्टिट्यूट नाम होते हैं। ये इन नामों से छोड़कर किसी और नाम से भी आपको मिल सकती है आपके एरिया के अकॉर्डिंग, बट उसमें जो है मोंटिल्यूकास्ट और लिवोसिट्राजिन ही होना चाहिए। अब इसके यूजेस की बात करें गाइस, क्या क्या इसके यूज रहते हैं, तो इसके जो यूज रहते हैं स्नीजिंग, मतलब आपको जुखाम है, स्नीजिंग है, या फिर रनी नोज, मतलब आपकी नाक बह रही है, बार बार पानी बह रहा है आपकी नाक से, किसी एलर्जी के कारण, किसी एलर्जन के कॉन्टेक्ट में आने के कारण आपकी नाक से पानी बह रहा है, या फिर आंखों से आपके पानी बह रहा है, खांसी है आपको, या फिर जुखाम है, गले में खराशें हो रही हैं, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्किन का इन्फेक्शन है, मतलब स्किन पर खुजली मचती है, लगती है बहुत सारी, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। स्किन की एलर्जिक में, स्किन वाली जो एलर्जी होती है उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। और छींक आ रही है बार बार, किसी एलर्जन के कॉन्टेक्ट में आने के कारण आपको छींक आ रही है बार बार, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। नजला है आपको, नजले की कोई शिकायत है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। सांस लेने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, मतलब सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में भी इस मोंटेयर एलसी टैबलेट को आप ले सकते हैं। ये तो इसके यूजेस थे गाइस। अब इसके प्रिकॉशंस की बात करें, मतलब कौन कौन इसको नहीं ले सकता है, तो प्रेगनेंसी में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग में इसको ना दें। अगर दे भी रहे हैं तो आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पूछ कर ही इस टैबलेट को या उनकी सलाह से इस टैबलेट को लिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस टैबलेट को खुद से ना लें। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं लेने के लिए तो आप इस टैबलेट को लें, वरना ना लें। 12 साल से छोटे बच्चों को इस टैबलेट को नहीं दें। अब इसके साइड इफेक्ट की बात करें गाइस, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर आप इस टैबलेट को ले रहे हैं, तो उसमें हेडेक हो सकता है, मतलब सिर दर्द हो सकता है आपके, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, पल्टी, मतलब पल्टी आ सकती है, जी मतरा सकता है आपका, ड्राइनेस ऑफ योर माउथ, मतलब तुम्हारे चेहरे पर ड्राइनेस आ सकती है, माउथ पे ड्राइनेस सूखापन आ सकता है, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई और साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो आप इस टैबलेट को रोकें और अपने डॉक्टर से बताएं, अपने डॉक्टर को या उनसे पूछें। अब ये इसके साइड इफेक्ट हो गए गाइस। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो डोज जो है वो डिपेंड करती है आपके एज, वेट, सीवियरिटी और आपके डॉक्टर के ऊपर। तो आपके सीवियरिटी के अकॉर्डिंग से ही आपके डॉक्टर आपको देखकर ये दवाई देते हैं, किस हिसाब से आपको क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है, तो वो उसी के हिसाब से इसकी डोज चलती है। इसको जो एडल्ट डोज रहती है वो सुबह शाम या दिन में एक बार इसको लेना होता है। मतलब बीडी भी इसको लिया जा सकता है और ओडी भी इसको लिया जा सकता है। बीडी अगर सुबह शाम, आप एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को इसको ले सकते हैं, या फिर एक टैबलेट रात को सोते समय ओडी भी ले सकते हैं, और रात को सोने से पहले इसको लिया जा सकता है। तो ये हमने आपको मोंटेयर एलसी टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी दी है गाइस। आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। ऐसे ही हम इस चैनल पर मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, बहुत ही सरल भाषा और शॉर्ट भाषा में आपको हम इस चैनल पर समझाते हैं दवाइयों के बारे में, ताकि आपका टाइम बच सके और आप अच्छे से अच्छी नॉलेज आपको मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इस दवा के बारे में नॉलेज हो सके। तो थैंक यू।